शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा जो लगातार वहां घूम भी रहे हैं, को आगे करके पार्टी ने एक तरह से झारखंड में वोटर का एक बड़ा मैसेज दिया। कैसे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो महिलाओं की पसंदीदा है, उनको महिलाओं की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहा जाता है और जिसकी वजह से वो एमपी में पॉपुलर है मामा के नाम से। और दूसरी ओर हेमंता, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा या न्यू पोस्टर बॉय कहा जा सकता है, उस तरह से वो उभर चुके हैं। और बीजेपी की रिक्वायरमेंट एट दिस आवर यही है कि वो हिंदू वोट बैंक को एकत्रित कर सके। आदिवासी को छोड़ देते हैं, जो बचा हुआ ओबीसी वोट बैंक है उसको कैसे एकत्रित किया जाए, जिसमें हेमंता लगातार झारखंड में घूम रहे हैं और अब आने वाले समय में और उनके दौरे तेज होंगे। अब जाहिर है शिवराज सिंह का चौहान आगे बीजेपी झारखंड के महिला वोटर्स को संदेश देगा, वहीं दूसरी हेमंता का चेहरा के जरिए हिंदुत्व की बिसात भी बिछाई जा रही है। अब डेमोग्राफिक का दंगल भी इसी योजना की कड़ी है। संथाल परगाना के कई इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। यानी कि एक तरफ तो जेएमएम लगातार ये कह रही है संविधान बदल दिया जाएगा, आपकी जमीन खतरे में है, इमोशनल स्ट्रैटेजी करी जा रही है कि मेरे को जेल भेजा गया, बीजेपी पर वार। तो वहीं बीजेपी ने भी वार तैयार किया है। बीजेपी ने कहा है डेमोग्राफिक चेंज होगा और इन्फिल्ट्रेशन होगा, लोग घुसेंगे आपकी बॉर्डर से, इन सबका डर। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी जो मसला मैंने आपको बताया संथाल का, उस मसले पर चिंता जताई। और दूसरी ओर निशिकांत दुबे और हेमंत विश्व शर्मा लगातार इसको लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर दूसरा बड़ा मुद्दा जो जेएमएम या सरकार के ऊपर है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज। ये बीजेपी का बड़ा वार है, लोगों तक घर घर तक ये पहुंचाना कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहां होगी, डेमोग्राफिक चेंज होगा, जो आपके हितों के लिए, आपके सुरक्षा परिवार के लिए ठीक नहीं है, इस राज्य के लिए ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है जो जेएमएम को बैकफुट पर लेकर जाएगा। बीजेपी ऐसी रणनीति बना रही है। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगाना में बदल रहे डेमोग्राफिक पर कड़े कानून बनाने के संकेत देकर आ रही है। देखिए, बीजेपी का दावा है कि हर साल कई इलाकों में 3 से 3.5% तक वोटर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस तरह 5 साल में 15% तक की वृद्धि होगी, मगर कहीं ना कहीं 2 गुना से अधिक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार आई तो संविधान सम्मत जो कुछ भी कानून बने होंगे वो बनेंगे। बीजेपी डेमोग्राफिक चेंज का ये मुद्दा आदिवासी समाज के बीच लेकर ये मैसेज देना चाहती है कि हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने देकर आदिवासियों के हितों पर प्रहार कर रही है। वही बात दूसरे तरीके से हेमंत की सरकार बीजेपी पर कर रही थी और अब इसी का पलटवार बीजेपी कर रही है। तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता बाहरी यानी कि दीकू का मुद्दा उछाल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी को असहज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेएमएम जिन्हें बाहरी या दीकू बताता है वो दरअसल बिहार के वो लोग हैं जिनके दम पर आरजेडी सीटें जीतने की उम्मीद और दावा करती है, और इसका असर झारखंड के मिथिलांचल यानी गोडा, साहिबगंज, दुमका, देवघर और पाकुड़ के अलावा कोल्हान के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के बिहार से आए लोगों को भी प्रभावित कर सकता है।